नमस्कार। हमारे देश को आज़ाद हुए 73 वर्ष हो गए हैं और हमारे देश ने पहले से बहुत ज़्यादा प्रगति की है। हमारे देश की एक विशेष बात क्या है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न कल्चरों के सहारे, भिन्न भिन्न भाषाओं के सहारे हमारे देश ने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही प्रगति की है। कुछ गलतियां भी हमसे हुई है, नहीं तो हमारा देश बहुत आगे तक पहुंच सकता था। लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां, कुछ अनजाने में, कुछ जानबूझकर, कुछ भेदभाव रखने में, कुछ भिन्न भिन्न प्रजाति के कारण, ये मेरे कल्चर का नहीं है, ये मेरे परिवार का नहीं है, ये मेरे जाति का नहीं है, इस प्रकार से भेदभाव करने के कारण, आपसी मतभेदों के कारण हमारा देश उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया। आज भी हमारा देश बहुत से विदेश कंट्रियों के सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। उसका कारण यही है कि हमने अपने आपसी मतभेदों के कारण, अपने विवादों के कारण हमारे देश की प्रगति को रोक दिया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश भी नंबर वन हो, प्रगति करे, तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पास हमारी संस्कृति, अलग अलग संस्कृति के सारे ही, हमें एक दूसरे को अलग न मान के, भेदभाव न करके, जो जो कल्चर उनका चलता आ रहा है उनके कल्चर से प्रेम करके, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी कोरोना वायरस के कारण सभी अलग अलग विदेशों में सभी जगहों पे हालत ख़राब हो गई है सभी लोगों की। यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम समझने की कोशिश करें तो, खासकर युवाओं के लिए। अगर युवा लोग कुछ सोचे और कुछ अच्छा करे देश की प्रगति के लिए, तो हो सकता है कि यही कोरोना वायरस का ये चलता हुआ समय हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है और हम पूरी दुनिया में नंबर वन पे भी आ सकते हैं। सिर्फ हमें अच्छे तरीके ढूंढने होंगे और ये मतभेदों को त्याग कर, जाति मतभेदों को भूलकर, एक इंसानियत की वैल्यू समझनी होगी। जो कल्चर हमारा चल रहा है उसी कल्चर को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा करेंगे, जिससे हमारा नाम होगा दुनिया भर में, हम नंबर वन पे भी आ सकते हैं। इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम चाहें तो हमारा देश दुनिया में नंबर वन देश बन सकता है। ये सब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। आपको कुछ ना कुछ करना होगा, आपको सोचना होगा कि क्या किया जा सकता है। हम सबको मिलके अपने अपने आइडियाज़ डिस्कस करने होंगे, जिससे हम हमारे देश को नंबर वन पे ला सके। और ये आपसी झगड़े मतभेदों को ख़त्म करना होगा, अपने पारिवारिक मतभेदों को ख़त्म करना होगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके, साथ में खुश रह सके, हमारे जीवन में खुशियाँ आ सके और प्रेम बढ़ने लगे। इस प्रकार हमारा देश नंबर वन देश बन सकता है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा और आप आगे से मेरा स्टेट, मेरा गांव, मेरे जाति, इस तरह से भेदभाव करना बंद करेंगे और सब एक होकर के, पूरा देश अलग अलग कल्चरों के साथ मिलके और सभी एकजुट होकर के कुछ नया करेंगे। और लड़ाई झगड़ों में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा कुछ टेक्निकल चीज़ें, या फिर कुछ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में, या फिर अपने आप को मजबूत बनाने में दिमाग लगाएंगे, ताकि हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और आगे से आगे वीडियो को फैलाकर अपने देश की उन्नति में सहयोग करें। जय सियाराम।